हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी वे। आज मैं आपको बताऊंगी सबसे आसान मिल्क केक। इसके लिए आप ले लीजिए 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध को अपन पका के कर लेंगे 1/2 लीटर दूध। ये जब तक 1/2 लीटर होता है, आपको क्या करना है, इसे स्टर करते रहना है ताकि ये लगे ना नीचे। ये सबसे आसान है, पर इसे लगेगी आपको 30 से 40 मिनट तक। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो गया है। इसके 2 बार बॉईल हो गया है। अपन अब इसको फोड़ने के लिए मैं मिलाऊंगी इसमें आलम। तो ये वो इसे हिंदी में कहते भी हैं अपन लोग फिटकरी। बस 2 पिंच मिलाए, और आप या ये नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। पर आपको एक ध्यान रखना है कि बस आप हिलाते ही रहना, रुकना नहीं चाहिए। फिर आप देख सकते हैं इसके इतने अच्छे ग्रैनुलर्स आएंगे, आपको मैं बताऊंगी। अभी आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी कुछ कम हो गया है। मैं आपको ग्रैनुलर्स बताती हूँ आपको, है ना, मैं स्टील में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर जल्दी नज़र आ जाए। ये मेरा नॉन स्टिक है, इसलिए मैं ऊपर से हल्का हिला रही हूँ। देखिए अभी बन रहे हैं ग्रैनुलर्स, बन रहे हैं अभी। इसको और अपन 10 मिनट तक अच्छे से हिलाएंगे तो वो अच्छे से बन जाएंगे। अभी 10 मिनट के बाद आप इसमें मिला लीजिए 1 लीटर में 1 कप, छोटी सी कप शुगर या 150 ग्राम। अब इसे अच्छे से स्टर करते हैं अपन। ये अच्छे बॉइलिंग के टाइम पे आपको मिलाना है 2 चमचे देसी घी के, ताकि इसमें अच्छे से कलर और थिकनेस आ गए। और फ्री और जब तक अपन एक स्टील के डिश में भी पूरा अच्छे से घी लगा लेंगे साइड में। आप लोग को ये जब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। आप लोग देख सकते हैं ये कितना कम हो गया है, कितना अच्छा से थिक हो गया है। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन कलर चाहिए तो आप अच्छे से 2 से 3 लीटर का लीजिए और इसे अच्छे से पका के कम करिए। इसे अच्छे से भूनते रहिए बस। आप ये फुल एनर्जेटिक वाला है और फुल टाइम लेने वाला है। अभी ऑफ कर लेते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं अच्छे से ड्राई हो गया। अब जिसमें अपन लगाए थे ऑयल उसमें डाल लेते हैं, अच्छे से सेट कर लेते हैं। और इसे आपको रख देना है बिल्कुल से 3 घंटे तक, आपको खोलना नहीं है, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। आप लोग अभी देख सकते हैं कि मैंने इसमें से केक निकाल लिया है। अपन आप इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे ताकि इजी हो खाने के लिए।